हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीक्षा लर्निंग लैब। और मैं हूँ दीक्षा शर्मा, आपकी फॉरेंसिक एडुकेटर। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टॉपिक डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये आपके बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड फॉरेंसिक साइंस के सिलेबस का पहला टॉपिक है बायोलॉजी में, ठीक है, जो कि आपके NFSU NFET एग्जामिनेशन 2024 में आने वाला है। अब ये जो टॉपिक है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है। इसके अंदर चार और टॉपिक इंक्लूडेड है। कौन कौन से? द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। अगर आप ध्यान से देखो, जब आप इसे वापस से इसका जो ओरिजिन है वो ट्रेस करोगे, तो आपको पता चलेगा कि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है आपके क्लास 11th से है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो में ये डिस्कस किया था कि आपको बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए क्या पढ़ना है। इंटीग्रेटेड कोर्स बीएससी एमएससी के एडमिशन में कौन कौन से टॉपिक आएंगे। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। आपको वहाँ से सब पता चल जाएगा कि आपको फिजिक्स में क्या पढ़ना है, आपको बायो में क्या पढ़ना है, आपको केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, आपको मैथ्स में क्या पढ़ना है, आपको रीजनिंग में क्या पढ़ना है। सो मैं एक ब्रीफ आपको बता देती हूँ कि आपको NFSU NFET के लिए बीएससी एमएससी के बच्चों को क्या पढ़ना है। तो आपको फिजिक्स पढ़ना है, आपको बायो पढ़ना है, आपको केमिस्ट्री पढ़नी है, आपको मैथ्स पढ़नी है, ये आपके कोर साइंस के सब्जेक्ट है। इसके बाद आपको कंप्यूटर्स पढ़ने हैं, कंप्यूटर पढ़ना है, आपको जीके पढ़ना है, आपको रीजनिंग पढ़नी है, आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ना है। सो ये चीज़ें आपको पढ़नी है, कंप्यूटर, जीके, रीजनिंग, करंट अफेयर्स। तो ये चीज़ें आपको पढ़नी है। सो 70% सिलेबस आपका PCMB है एंड 30% सिलेबस आपका नॉन साइंस साइड से है, ठीक है। सो कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे? फिजिक्स से क्वेश्चन आएंगे 20, बायो से क्वेश्चन आएंगे 20, केमिस्ट्री से क्वेश्चन आएंगे 20, मैथ से क्वेश्चन आएगा 10। सो टोटल 70 क्वेश्चन हो गए, राइट। अब यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आएगा। आई गेस कंप्यूटर से 5 या 10 क्वेश्चन आएंगे, तो मैं 5 क्वेश्चन लिखती हूँ। इंग्लिश ग्रामर से 5 क्वेश्चन आएंगे, करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन आएंगे। सो और यहाँ से आई गेस 5 5 क्वेश्चन आएंगे। आई एम नॉट एक्यूरेट, ये जो 30% वाला है जो मुझे मेरे ख्यालों में है, जो मैं याद कर पा रही हूँ नॉन साइंस पार्ट से कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने जो सेपरेट वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको एक्यूरेट क्वेश्चन बताए थे जो NFSU ने हमें बोला हुआ था कि इतने इतने क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है कि कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन हो, या हो सकता है करंट अफेयर से 5 क्वेश्चन हो। तो कितने हुए? 30 हो गए क्या? 10 20 10 20 30, हाँ। सो टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर, जीके, रीजनिंग, इंग्लिश ग्रामर, करंट अफेयर्स में ला के, ठीक है। सो ये सारा आपका सिलेबस रहने वाला है फॉर 2024। अब आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो है वो तो आएगी आएगी, साथ में ये सारी चीज़ें भी आएगी। आप क्रॉस चेक कर लो। अगर आपको देखना है तो आप UPSIFS के साइट पे जाओ, उन्होंने जो 2024-25 की एडमिशन पॉलिसी बताई हुई है उसको एक बार ध्यान से पढ़ लो। उन्होंने ये बोला है कि NFSU NFET एग्जाम के बेसिस पे ही हम एडमिशन लेंगे, और उन्होंने सिलेबस बिल्कुल 70-30% के ब्रेकडाउन में आपको बताया हुआ है। तो जब NFSU के ही एग्जाम के थ्रू आपके एडमिशन उस यूनिवर्सिटी में हो रही है तो सिलेबस भी सेम ही रहेगा, राइट। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे द लिविंग वर्ल्ड, सबसे पहला टॉपिक, ठीक है, क्योंकि डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके सिलेबस में टॉपिक लिखा हुआ है, विच इंक्लूड्स लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। तो इसमें जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं ये पूरे के पूरे चैप्टर में, वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस है, हम वो कवर करने वाले हैं, ठीक है। द लिविंग वर्ल्ड से शुरू करते हैं। जो द लिविंग वर्ल्ड है आपको बेसिकली ये बताता है कि हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का डाइवर्सिटी है इस दुनिया में वो बहुत ज़्यादा है ना। तो अर्थ सर्व एज अ होम फॉर डाइवर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो बेसिकली हम इसमें पढ़ते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, ठीक है। तो ऑर्गेनिजम्स लिव इन वेरियस हैबिटेट्स लाइक फॉरेस्ट, माउंटेन, डेजर्ट, ओशंस, फ्रेश वाटर बॉडीज, हॉट स्प्रिंग, पोलर रीजन्स एंड ऑलमोस्ट एवरी प्लेस ऑन द अर्थ। अब इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, वो हमने यहाँ पे नोट डाउन किए हुए हैं कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होते हैं। तो सबसे पहला फीचर है ग्रोथ का, कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्योंकि आपको ये आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आते हैं। जब आपने जूनियर क्लासेस में अपने स्कूल में सब पढ़ा होगा लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, तो वो बहुत बेसिक्स से आपने पढ़ा होगा और बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ा है। तो अभी बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्या क्या फीचर्स होते हैं वो हम देखने वाले हैं। सो ग्रोथ एक फीचर है, रिप्रोडक्शन एक फीचर है, मेटाबॉलिज्म एक फीचर है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एक फीचर है, कॉन्शियसनेस एक फीचर है एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एक फीचर है। ये 6 इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को
मिलते हैं। अब इनको थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं। मैं बात करूँ ग्रोथ की, तो ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय इंक्रीज इन मास, मास में भी इंक्रीज होते हैं, इन इंक्रीज इन नंबर विथ रिप्रोडक्शन, ठीक है। सो रिप्रोडक्शन से भी इंक्रीज हो रहे हैं इन सेल और इंडिविजुअल्स दोनों के बेसिस, क्योंकि सेल्स भी बढ़ रही हैं और सेल्स के साथ साथ इंडिविजुअल भी। इंडिविजुअल की मैं बात करूँ तो इट इंक्लूड्स रिप्रोडक्शन, और हमारी बॉडी में भी जो पुरानी सेल्स हैं वो डेथ कर जाती हैं, नई सेल्स बनती हैं। तो इस तरीके से भी नंबर ऑफ सेल्स में हम इंक्रीज हो रहे हैं, इसके साथ ही साथ नंबर ऑफ मास में भी हम इंक्रीज हो रहे हैं। क्योंकि जब आप अपना वेट देखोगे, 5 साल पुराना वेट याद करोगे और अभी का वेट याद करोगे, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा, है ना। सो हम मास में भी इंक्रीज हो रहे हैं और नंबर में भी इंक्रीज हो रहे हैं। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इन पर्टिकुलर ग्रोथ ऑकर बाय सेल डिविजन एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। ग्रोथ कैसे होती है? सेल डिवीजन के थ्रू ग्रोथ होती है, नंबर ऑफ सेल्स में भी होती है। नाउ ग्रोथ ऑकर्स कंटिन्यूअसली थ्रू आउट लाइफ इन प्लांट्स। अब जब हम एनिमल्स की बात करें या फिर हम अदर देन प्लांट्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बात करें, तो वो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तक ही ग्रो करते हैं, उसके बाद उनका ग्राफ डाउन आने लग जाता है। इस तरीके से उनका ग्राफ बनता है, एक पीक पे जाके फिर वो क्या हो जाते हैं, डेथ की साइड पे मूव करने लगते हैं, या फिर डिग्रेडेशन उनका शुरू हो जाता है। डी इंटीग्रेशन, डी जेनरेशन, आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो। वो धीरे 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 क्या करते हैं, एक पॉइंट पे ग्रोथ उनकी बंद हो जाती है, फिर वहां से वो डेथ की साइड पे मूव होने लग जाते हैं। बट प्लांट्स के साथ ऐसा क्या होता है, इनकी पूरी की पूरी लाइफ में, इनके बर्थ से लेके इनके डेथ तक जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूअसली होती रहती है। जो ग्रोथ है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म अदर देन प्लांट्स, ये डिसकंटिन्यूअस होती है, बट प्लांट्स में ये कंटिन्यूअस होती है। नाउ वेयर एज इन एनिमल्स इट ऑकर्स अप टू अ सर्टन एज ओनली। नाउ हाउएवर ग्रोथ इज ग्रोथ इन सर्टन बॉडी पार्ट्स लाइक नेल हेयर, रिप्लेसमेंट ऑफ लॉस्ट सेल ऑकर्स थ्रू लाइफ, ठीक है। ये कुछ ऐसी सेल्स हैं जो कि थ्रू आउट लाइफ ग्रो करती हैं। नाउ इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कैन बी ऑब्जर्व्ड अंडर माइक्रोस्कोप बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स वाया विट्रो एक्सपेरिमेंट। सो आप माइक्रोस्कोप की हेल्प से ये ऑब्जर्व भी कर सकते हो। अब आप एक ध्यान में रखो चीज़ें कि जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो भी क्या कर जाती है, ग्रो कर जाती है एक्सटर्नली। अगर कोई लेट्स से रेत का ढेर है, अगर उसमें और रेत डिपॉजिट होती जाए होती जाए होती जाए होती जाए, तो वो रेत का जो टीला है वो बड़ा होता जाएगा। ग्रो तो कर ही रहा है, बट ये एक्सटर्नल डिपोजिशन की वजह से है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इंटरनल ग्रोथ की। जो इंटरनल ग्रोथ है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर है, एक्सटर्नल ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर नहीं है। ओके ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। वो क्या है, वो है रिप्रोडक्शन का। नाउ रिप्रोडक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, रिप्रोडक्शन तो होता ही होता है। एंड ये रिप्रोडक्शन भी दो तरीके का हो सकता है, इधर इट्स सेक्शुअल रिप्रोडक्शन और ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें एक पेरेंट भी इन्वॉल्व हो सकता है, दो पेरेंट भी इन्वॉल्व हो सकता है, बट रिप्रोडक्शन इज अगेन अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब फंगी जो है वो क्या करते हैं, दे स्प्रेड एंड मल्टीप्लाई फास्ट बाय प्रोड्यूसिंग मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स। ये क्या करते हैं, जो फंगीज होते हैं छोटे छोटे क्या करते हैं, पोर्स स्पोर्स क्रिएट करते हैं, मैंने पोर्स बोल दिया, छोटे छोटे स्पोर्स क्रिएट करते हैं। अब ये जो छोटे छोटे स्पोर्स हैं ये क्या करेंगे, जितने स्पोर्स होंगे उतने ही फंगस क्रिएट करने का काम करते हैं, और ये एसेक्सुअल मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन हुआ। नाउ सम फंगी जैसे कि फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनेमा इन मॉसेस मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन। तो अलग अलग तरीके के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मीन्स के थ्रू ये लार्ज क्वांटिटी में रिप्रोड्यूस होते हैं। नाउ यीस्ट और हाइडर की बात करें तो ये बडिंग की हेल्प से रिप्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा जो प्लेनेरिया है फ्लैटवॉर्म, वो भी क्या करता है, बडिंग के थ्रू ही रिप्रोड्यूस करता है। नाउ रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ बॉडी पार्ट ऑकर्स इन डिफरेंट डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म, और यही ही इनका रिप्रोडक्शन का टाइप होता है, और इसी वजह से ये मल्टीपल पार्ट्स में खुद को डिवाइड करके न्यू ऑर्गेनिज्म क्रिएट कर लेते हैं। नाउ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एल्गी अमीबा रिप्रोड्यूसेस बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सेल। जैसे ही एक सेल से दो सेल होती है ये दो नए ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ इज इक्वल टू इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की जब मैं बात कर रही हूँ तो ग्रोथ इज इक्वल टू रिप्रोडक्शन इन दिस केस, ठीक है। इस तरीके से रिप्रोडक्शन भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। बट यहाँ पे एक चीज और देखने के लिए हमें मजबूर होना पड़ता है,
बट यहाँ पे एक चीज पे और आप फोकस करोगे कि वो इंडिविजुअल, वो ह्यूमंस जो कि इनफर्टाइल है, जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो भी लिविंग है. कई सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है जैसे कि म्यूज है, वो भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए रिप्रोडक्शन इज नॉट अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक फीचर फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म. है फीचर, लेकिन इट्स नॉट द यूनिक अल्टीमेट फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, सो नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म अल्टीमेट यूनिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो. अगर वो लिविंग है तो उनकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म जरूर होगा. नाउ मेटाबॉलिज्म इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक एंड डिफाइनिंग फीचर. ये डिफाइनिंग फीचर है भाई, ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर नहीं है, रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्योंकि एक्सटर्नल ग्रोथ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी हो रही है, रिप्रोडक्शन जो लिविंग है वो नहीं कर पा रहे हैं, पर वो है तो लिविंग ही ना, इस वजह से डिफाइनिंग फीचर नहीं है. बट मेटाबॉलिज्म एक ऐसा फीचर है जो डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए. ठीक है, ये किसी भी तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर में चलती ही है, और ये दो तरीके के रिएक्शन इंक्लूड करती है, जिसे हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म. ये दोनों जब साथ में होती है तो टुगेदर हम इन्हें कहते हैं मेटाबॉलिज्म. नाउ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म बोथ आर मेकअप रिएक्शन एंड ब्रेकअप रिएक्शन. मतलब एक रिएक्शन में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, इकट्ठे होकर एक बड़ा मॉलिक्यूल क्रिएट कर रहे हैं, और जो दूसरी रिएक्शन है उसमें एक बड़ा मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होकर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट रहा है. तो यहाँ पे देख लेते हैं, राइट. और ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में भी होता है, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में भी होता है. नाउ इट्स टू स्टेजेस इंक्लूड एनाबॉलिज्म. इट इज द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग अप. एनाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, छोटे 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 मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं. जैसे कि छोटे छोटे अमीनो एसिड्स अगर अब इकट्ठे हो जाएंगे तो प्रोटीन बनाएंगे. ठीक है, इट इज द सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस फ्रॉम द सिंपल वंस. जैसे कि एग्जाम्पल है फोटोसिंथेसिस, इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम्पल, यहाँ पे पूछा जा सकता है कि वॉट इज द एग्जाम्पल ऑफ एनाबॉलिज्म. सो फोटोसिंथेसिस या फिर अमाइनो एसिड्स का प्रोटीन बनाना, ये भी क्या है, एक तरीके की एनाबॉलिक रिएक्शन है. देन वी हैव कैटाबॉलिक रिएक्शन. ये एक तरीके की ब्रेक डाउन रिएक्शन होती है, इसमें एक बड़ा मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है. जैसे कि एग्जाम्पल रेस्पिरेशन एंड रिलीजिंग वेस्ट आउटसाइड ऑफ दी बॉडी. ठीक है, सो रेस्पिरेशन में क्या करते हैं, हम ब्रेक डाउन करते हैं मॉलिक्यूल्स का, है ना. सो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और ये मेटाबॉलिक रिएक्शन का पार्ट है. नेक्स्ट वी हैव सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन. सो सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन भी सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है. ठीक है, अब हमने बचपन से पढ़ा है दैट सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, चाहे वो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, है ना, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, ह्यूमन हो, राइट. यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, बट मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म बहुत सारे एक तरीके के सेल से बने हुए होते हैं. तो इनका फ्लो कैसा होता है, सेल्स सिमिलर सेल्स मेक टिश्यूज, सिमिलर टाइप ऑफ टिश्यूज एक्यूमुलेट टू मेक ऑर्गन्स, और ये ऑर्गन्स एक्यूमुलेट होके या फिर इकट्ठे होके एक ऑर्गन सिस्टम क्रिएट करने का काम करता है. नाउ सेल्स कंटेन्स प्रोटोप्लाज्म, जिसको हम कहते हैं लिविंग मैटर, जो कि एक लिक्विड होता है जो सेल के अंदर होता है. नाउ सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स वो छोटे छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं सेल के अंदर, जो अपना यूनिक काम करते हैं. ओके, नाउ विच परफॉर्म सेवरल एक्टिविटीज एट द सेलुलर लेवल एंड रिजल्ट इन टू लाइफ प्रोसेसेस. ये बहुत सारे छोटे छोटे काम करते हैं जो कि रिजल्ट करते हैं हमारे लाइफ प्रोसेसेस में. देन वी हैव कॉन्शियसनेस. ना कॉन्शियसनेस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव एक्सलेंट एबिलिटी टू सेंस देयर एनवायरमेंट. दे रिस्पॉन्ड टू फिजिकल स्टिमुली, केमिकल स्टिमुली एंड डिफरेंट बायोलॉजिकल स्टिमुली. नाउ स्टिमुली क्या होता है, एक ऐसी एक्टिविटी जिसके थ्रू क्या होता है, कोई लाइक कोई सेंस जेनरेट हो सके. फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, बायोलॉजिकल भी हो सकता है. नाउ वेरियस एक्सटर्नल फैक्टर्स टू विच लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड, जैसे कि लाइट, जैसे कि वाटर, जैसे कि टेम्परेचर, जैसे कि पोल्यूटेंट, जैसे कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, ये एक तरीके के स्टिमुलस हो सकते हैं, स्टिमुली हो सकते हैं, जिसके लाइक रिजल्ट पे आप क्या करते हो, रिस्पॉन्ड करते हो. जैसे कि प्लांट्स भी लाइट को रिस्पॉन्ड करते हैं, जहाँ लाइट होती है उसी साइड पे मुड़ जाते हैं. वाटर को रिस्पॉन्ड करते हैं, जो जड़ें हैं वो नीचे जाती हैं ताकि वाटर ले सकें. इसके अलावा टेम्परेचर भी, पोल्यूटेंट्स भी एंड डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से भी क्या होता है, स्टिमुलस रिएक्ट करता है. नाउ लाइट ड्यूरेशन ऑफ फोटो पीरियड अफेक्ट्स मेनी सीजनल ब्रीड्स, प्लांट एज वेल एज एनिमल्स. सो एनिमल्स को भी अफेक्ट करता है,
प्लांट्स को भी इफेक्ट करता है और सीजन्स के अकॉर्डिंग जो ब्रीडिंग होती है डिफरेंट प्लांट्स की वो भी होती है. ना ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू केमिकल दैट एंटर्स इन द बॉडी. अब ये जो केमिकल होते हैं वो न्यूरो केमिकल्स भी हो सकते हैं, इंटरनल केमिकल्स बेसिकली, और एक्सटर्नल केमिकल्स हो सकते हैं. नाउ ह्यूमंस आर सुपीरियर टू ऑल लिविंग थिंग्स. हमें पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबसे ज़्यादा सुपीरियर कोई ऑर्गेनिज्म है तो वो ह्यूमंस ही होते हैं. नाउ दे हैव एडिशनल एबिलिटी टू सेल्फ कॉन्शियसनेस. उनको सेल्फ कॉन्शियसनेस की भी एक एक्स्ट्रा एबिलिटी होती है. इसी वजह से कॉन्शियसनेस इज अगेन अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. नेक्स्ट वी हैव बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. नाउ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी एक इम्पॉर्टेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म फीचर है. नाउ द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ऑर्गेनाइज सेवरल कंपोनेंट एंड सब कंपोनेंट दैट कोऑपरेट विद ईच अदर टू फंक्शन द होल बॉडी टूगेदर. ठीक है, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रिलेटेड टू फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं. नेक्स्ट क्लास में मैं आप सभी के साथ एमसीक्यू शेयर करूँगी जो इस पर्टिकुलर टॉपिक से बनने वाले हैं. सो दिस वाज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एवरीवन. सो आपको ये टॉपिक्स पढ़ने हैं एंड एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है. एक्स्ट्रा पढ़ने बैठोगे ना तो टाइम ही वेस्ट होगा. सो इस वजह से स्मार्ट स्टडी करो. हार्ड वर्क तो करना ही करना है बट हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो. और जो हमारी क्लासेस हैं वो अवेलेबल है हमारी एप्लीकेशन पे. एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एंड डिस्क्रिप्शन से आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो जिसमें ये सारा का सारा सिलेबस आपका कवर होगा वीडियो लेक्चर्स के थ्रू, पीडीएफ नोट्स के थ्रू. एवरी मंडे हम ऐप में लाइव रहते हैं. आपको यूनिट वाइज टॉपिक वाइज एमसीक्यूज मिलेंगे एंड मॉक टेस्ट मिलेंगे जिसमें 70 साइंस के क्वेश्चन होंगे एंड 30 किसके क्वेश्चन होंगे, नॉन साइंटिफिक क्वेश्चन होंगे. ठीक है, सो इस तरीके से आपका 100 एमसीक्यू का पेपर बनेगा, मॉक टेस्ट आपका बनेगा और हमारा जो मॉक टेस्ट है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के ही जैसा होता है जिससे आपकी 100% प्रैक्टिस हो जाएगी. और ये ध्यान में रखना है कि आपका एनएफएसयू एनएफएटी नेगेटिव मार्किंग भी करता है. जब आप हमारा टेस्ट देंगे तो नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल करने की हैबिट भी आपकी बन जाएगी. सो डोंट वेस्ट योर टाइम, ज्वाइन आवर क्लासेस एंड कंप्लीट योर सिलेबस ऑफ एमएससीबीएसई एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स एनएफएसयू एनएफएटी 2024. ऑल डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन में है. कॉन्टैक्ट अस एंड क्लियर योर डाउट्स. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ ग्रेट डे अहेड. टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.